ग्लैम वर्ल्ड में एक समय ऐसा था जब माना जाता था कि एक्ट्रेस की शादी के बाद उसका करियर खत्म हो जाता है। हालांकि अब इस सोच से लोग आगे निकल आए हैं। ऐसे में नजर डालते हैं उन एक्ट्रेसेस पर जिन्होंने अपने करियर के पीक में शादी की। नीतू सिंह अपने टाइम की सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक थी। उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस करीब 20 फिल्मों में काम किया। ऋषि कपूर को डेट करने के बाद वो 21 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंध गई थी। नीतू ने जब अपने करियर के ऊपर शादी को चुना तो उनके चाहने वाले हैरान रह गए थे। काजोल ने कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस रहते हुए जब काजोल ने शादी का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया था। हालांकि अच्छी बात यह है कि अजय देवगन से शादी के बाद भी उन्होंने काम करना जारी रखा। काजोल ने शादी के बाद माय नेम इज खान और दिलवाले जैसी फिल्में की जो सुपरहिट साबित हुई। सोनम कपूर को उनकी फिल्म निर्जा के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं जब उनकी फिल्म वीरे दी वेडिंग रिलीज होने वाली थी उससे पहले ही उन्होंने आनंद आहूजा से शादी की। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने साल 2008 में रब ने बना दी जोड़ी से डेब्यू किया था। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। इसी के साथ साल 2015 में उन्होंने फिल्म NH10 से प्रोडक्शन डेब्यू किया। यह फिल्म अनुष्का के प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट की पहली फिल्म थी। फिर साल 2016 में अनुष्का की कई फिल्में आईं जिसके कारण उनकी जमकर तारीफ हुई। वहीं दिसंबर साल 2017 में करियर के पीक में अनुष्का ने क्रिकेटर विराट कोहली से शादी कर ली। शादी के बाद भी अनुष्का कई फिल्मों में नजर आई थी। सलमान खान की हीरोइन भाग्यश्री ने फिल्म मैंने प्यार किया की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद अचानक से शादी कर ली। पहली ही फिल्म से भाग्यश्री को जो नाम और शोहरत मिली थी वैसा बहुत कम लोगों को नसीब हुआ। हालांकि इन सब के बावजूद प्यारे से चेहरे वाली भाग्यश्री ने एक्टर से प्रोड्यूसर बने हिमालय दस्तानी के साथ सेटल होना बेहतर समझा। असीन ने भी कई सक्सेसफुल फिल्में दी थी। यही नहीं वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। असीन ने माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा से साल 2016 में शादी की। शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड से विदाई ले ली। गुजरे जमाने की एक्ट्रेस सायरा बानो धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही रही थी। उन्होंने बॉलीवुड को पड़ोसन, जंगली और झुक गया आसमान जैसी बेहतरीन फिल्में दी। इसके बावजूद 22 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ शादी कर ली। फिल्मी जगत की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हिंदुस्तान के साथ।